क्या है, 3D एक रियलिस्टिक फॉर्म का, जैसे जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, तो जो हम लाइव देख रहे हैं उसी को पेंट करना है। अभी क्या होता है, कई बार हम देख तो रहे हैं लेकिन पेंट करने के लिए वो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन हमको किसी सब्जेक्ट को देखने का मेरा एक नज़रिया अलग है, जिसकी वजह से ही हम वहाँ पर कौन से कलर लगेंगे, कैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पहले माइंड में इसको क्रिएट करना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर कैनवास सेकेंडरी चीज़ है जो हम कैनवास पे करते हैं। मेरा सॉफ्टवेयर मेरा माइंड है, मेरे माइंड में ही सारी पेंटिंग हो जाती है। ये तो कार्बन है, ये तो जेरॉक्स है समझो, ये जो पेंटिंग आप देख रही हैं ये तो उसका कॉपी है। असली पेंटिंग तो माइंड में बन गया है, और एक पेंटिंग कम से कम 1 मंथ ये लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, राम जी ने एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई है। सर आप इधर दिखाइए ऑडियंस को ये पेंटिंग, इसकी सोच, इनकी सोच, इनकी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन इन्हें जहाँ से भी मिला है। बट आई वॉज काइंड ऑफ बोल्ड ओवर देख कर के, ऐसा भी हो सकता है। Yeah, it is fabulous, it is beautiful and very innovative, very I would say not modern only, but it is wild, it is very wild. It's not only modern art, but it's wild art, wild imagination, so it's awesome. And yeah, it would cater to the old society, the new society. आप जरूर आइएगा, देखिएगा राम जी की पेंटिंग। हाईलाइट ये है कि कला ही जीवन है। रामजी शर्मा का मतलब ये है, ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी से प्यार करो, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। ये हमारी जितनी कलाकृतियाँ हैं मैं अपने लिए नहीं बनाया हूँ, ये दुनिया को दिखा रहा हूँ कि देखो हमारी पेंटिंग से कितना आपको कैसे आनंदित होते हैं। मेरी कोई भी पेंटिंग आपको जीने की प्रेरणा देती है, न कि डिप्रेशन में ले जाती है। तो ज़िंदगी जीने का नाम है, आप जिए, आनंद लें। और आर्ट के बारे में आप थोड़ा, हमारा हिंदुस्तान जो है आर्ट के बारे में थोड़ा पीछे है, आर्ट का अवेयरनेस जो है बहुत कम मिलता है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हर घर में एक पेंटिंग होनी चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की की अगर शादी हो रही, विदाई हो रही है, तो कहते हैं मुझे डायमंड चाहिए, गोल्ड चाहिए, रुपया चाहिए, ये चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे हर घर में एक पेंटिंग, एक आर्टिस्ट की एक पेंटिंग होनी चाहिए, चाहे पेंटिंग हमारी हो, चाहे हमारे और भी हमारे आर्टिस्ट भाई हों, सबकी एक पेंटिंग का जब तक क्रेज नहीं होगा, आर्ट को आप नहीं समझेंगे, तब तक हमारी पेंटिंग का कोई महत्व नहीं। हर इंसान अपने कर्मों से, अपने भाग्य से पैदा होता है, लेकिन मैंने जो महसूस किया हो, एक कलाकार ईश्वर के सौभाग्य से पैदा होता है। तो जब मूड बनता है, मूड क्या है, आर्टिस्ट का खुश होना, ये दूसरों की खुशी देता है, लेकिन उसकी खुशी के लिए कोई नहीं जानता ये कैसे खुश होता है। जब ये खुश होगा तब एक पेंटिंग बनेगा। तो इसके लिए वो अपना समय बड़ी मुश्किल से निकालता है एक पेंटिंग को बनाने के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई गैलरी में नहीं हूँ, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ये सारे मेरे साथ बैठे हुए हैं, सारे मेरे साथ कुछ खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा कि गैलरी में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही है, ये फीलिंग करवा दी है शर्मा जी ने। इट्स रियली वेरी गुड। मैं राम जी शर्मा जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और हमारे साथ बहुत सारे शो में भी पार्टिसिपेट किए है। एवरी टाइम उसके अलग अलग टेक्निक, अलग अलग जो उसकी कैनवास के ऊपर जो बताने की जो उसकी भावनाएं है, वो हर टाइम मुझे नई नई लग रही है। फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।